घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अच्छा है, अगर लिया है तो अभी मेरे को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत से और जुमले आएंगे, बहुत से और जुमलों की बरसात देश और प्रदेश के अंदर होगी और नई नई घोषणाएं जो वह वो होगी। मगर मैं आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान हिमाचल में जो परिस्थिति आज बनी हुई है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और आज तक हिमाचल में करीबन 350 जाने जाने के बावजूद करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हमारी जो GDP का नुकसान हिमाचल में हुआ है। आपकी SGST का पैसा प्रदेश में टूरिज्म का जो है वो ख़त्म हुआ है, आपका लिकर का जो इनकम प्रदेश को होनी थी एक्साइज की वो ख़त्म हुई है, उसकी वजह से अनुमानित 10,000 करोड़ का नुकसान है। टोटल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखें तो 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है, 300 जाने चली गई है, करीबन जो है 4,000 से 5,000 घर जो है प्रदेश के अंदर या तो पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये केवल इसीलिए किया जा रहा है कि हिमाचल में जो है वो कांग्रेस शासित राज्य है? ये मापदंड की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए जब वो उत्तराखंड में केदारनाथ में जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं, जब वो गुजरात में जब हमारी सरकार थी हमने जो है वो आपके भुज में वहाँ पे राष्ट्रीय आपदा घोषित करी, तो यहाँ पे इतनी जानों जाने के बावजूद, इतने घरों का नुकसान होने के बावजूद, इतनी सड़कों का नुकसान होने के बावजूद हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हिमाचल में जो विपक्ष में भाजपा के नेता हैं और उनके सभी साथी हैं उनको ये जवाबदेही हिमाचल के लोगों के प्रति जो है वो बनती है।